मैं स्नेहा मनोज और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेश 24। आइए नजर डालते हैं आज के टॉप 10 खबरों पर। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग, नौशेरा सेक्टर में सीज फायर वायोलेशन, भारतीय सेना ने 2 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। 1971 की भारत पाक जंग का 50वां साल शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्वर्णिम विजय मशाल जलाई, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केरल लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे, सत्तारूढ़ एलडीएफ ज्यादातर निकायों में आगे, यूएफडी दूसरे नंबर पर, सुधरता नजर आ रहा है एनडीए का प्रदर्शन। किसानों को हटाने की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा सभी पक्षों को शामिल कर कमेटी बननी चाहिए, यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है। कोरोना देश में लगातार 17वें दिन 40,000 से कम केस आए, 3 दिन में कुल केस 1 करोड़ के पार हो सकता है। मानव पर विशेषाधिकार हनन का मामला, महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देने का प्रस्ताव पास। मिलकर काम करेंगे फेसबुक और जियो, जकरबर्ग से अंबानी बोले भारत 20 साल में टॉप 3 इकोनॉमी में होगा, पर कैपिटल इनकम दोगुनी होगी। मेंस 2021, पहली बार इंग्लिश के साथ हिंदी समेत 13 भाषाओं में होगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग भी हटाई जाएगी। स्वदेशी से मजबूत होगी एयरफोर्स, वायुसेना के लिए डीआरडी 6 नए टोही विमान बनाएगी, पाकिस्तान और चीन सीमा पर निगरानी में मदद मिलेगी। सपना के बेटे की पहली फोटो, मां बनने के बाद पहली बार बेटे के साथ सामने आई सपना चौधरी की फोटो, बोली बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। टॉप 10 खबरों में फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 24 के साथ। नमस्कार।